हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सबका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी डरावनी चीजें जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर मजा आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इसी टाइप की हॉन्टेड क्रीपी मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर इसे शेयर। अक्सर हम देखते हैं कि इंटरनेट पर जानवरों की जो वीडियो होती है, फिर चाहे वो कैट की वीडियो हो या फिर डॉग की, बहुत ही ज्यादा क्यूट नजर आती है। लेकिन ये वीडियो आया है रशिया से और ये वीडियो क्यूट नहीं है, ये वीडियो थोड़ा सा डरावना है। यहाँ पर यह बंदी अपने उस कमरे के अंदर एक कैमरा लगा देती है जो कि हॉन्टेड माना जाता है। कैमरा रिकॉर्ड करता है कि यहां पर रखी हुई चीजें अपने आप ही हिलडुल रही हैं। आइए आगे और देखते हैं। यहाँ पर जो दो घटनाएं हुई हैं वो इस कुर्सी के आसपास हुई हैं। लेकिन अगर इस कुर्सी को हम जूम करके देखें तो इसके आसपास, इसके नीचे और इसके पीछे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो घटनाएं हैं, हो सकता है कि ये घटनाएं भूतिया हैं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो नीदरलैंड के एक बंदे है जिसका नाम मार्क बैंक है, उसने अपलोड किया है और वो बताता है कि इस वीडियो के अंदर एक भूत को रिकॉर्ड किया गया है। ये बंदा अपने एक दोस्त के साथ एक ऐसे फार्म हाउस में जाता है जो कि काफी सालों से वीरान पड़ा हुआ है। वो फार्म हाउस इतना ज्यादा वीरान है कि लोग दिन में भी जाने से वहां पर कतराते हैं। आइए देखते हैं इनके साथ क्या हुआ है। ये लोग जैसे ही इस घर में एंटर होते हैं तभी से उन्हें निगेटिव फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। वो बताते हैं कि जगह जगह चीजें बिखरी पड़ी थी और हमें काफी डर भी लग रहा था। तभी ये लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं और एक हादसा भी होता है। वो बंदा देखता है कि उसके दोस्त को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और साथ में उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगती है। बस फिर क्या था, इसके बाद में ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और इस जगह को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दरअसल यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही ये बेसमेंट में गए तभी से ये सारी चीजें इनके साथ होना शुरू हो गई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बेसमेंट है, यानी कि अंडरग्राउंड ये लोग गए हुए हैं, तो हो सकता है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी इन्हें महसूस हुई हो। लेकिन उसी के साथ में इनका तर्क ये भी है कि इस टाइप की कई जगहों पर हम पहले भी जा चुके हैं, वहां तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये लोग ये मानते हैं कि ये जो भी भूत प्रेत आत्मा यहाँ पर है, ये काम उसी का था। शायद वो नहीं चाहती थी कि हम लोग यहाँ ज्यादा देर रुकें। इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। सुबह का टाइम था, ये बंदा रात की अपनी नींद पूरी कर उठता है और तभी इसके साथ ये घटना होती है। आपने ध्यान से देखा, यहां पर बेड के नीचे से एक हाथ निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बंदा बताता है कि बेड के नीचे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ चीज है, इसीलिए मैंने अपना कैमरा भी ऑन किया हुआ था। और ये घटना सिर्फ एक ही बार हुई है, इसके बाद ये वापस कभी नहीं हुई है। साथ में ये बंदा बताता है कि मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने तहकीकात भी नहीं करना चाही कि आखिर नीचे क्या चीज थी। लेकिन जो हाथ नीचे से निकल कर आया था वो साफ साफ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। ये वीडियो अपलोड किया है गोवर्ट स्वीप ने, जो कि जंगल में इस सुनसान और वीरान पड़े हुए घर को अपने एक साथी की मदद से तलाश करने पहुंच गए हैं। अब ये लोग यहाँ पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन पहुंचने के बाद से ही इनके साथ काफी अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर एक आवाज तो जरूर सुनी है और ये तो बस शुरुआत है। अब आप इसे ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पर किसी के पैरों की आवाज साफ साफ सुनाई देने वाली है। He was not.
यह आवाज सुनने के बाद शायद बहुत से लोग यहीं से पलटने का फैसला कर लेंगे, लेकिन ये बंदे हिम्मत जुटाते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये क्या चीज थी, किस चीज की ये आवाज थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसमेंट में जाने का रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक है। हालांकि ये नीचे जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी नीचे तक जाते भी हैं, लेकिन बिल्डिंग की जो हालत है वो बहुत ज्यादा जर्जर है, यानी कि बिल्डिंग भी कभी भी गिर सकती है। तो ये लोग यहाँ से वापस लौटने का ही फैसला करते हैं। मतलब भूत तो यहाँ पर हो सकता ही है, साथ में बिल्डिंग की हालत भी बहुत खराब है, इसलिए पलटना ही बेहतर है। ये एक ऑफिस में लगे CCTV कैमरा का फुटेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एक अजीबोगरीब और रहस्यमय रोशनी इधर से उधर उड़ती हुई आती जाती कैमरा ने रिकॉर्ड की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डॉगी सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, सामने एक बॉल पड़ी है, लेकिन तभी वो बॉल अपने आप ही चलना स्टार्ट कर देती है। ऐसा लगता है मानो वो बॉल डॉगी के साथ खेल रही हो, ना कि डॉगी बॉल के साथ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं जानता। लोगों ने जब इस वीडियो को देखा तो लोगों ने कहा कि ये भूत प्रेत का मामला हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। इस घर में काफी पुराना एक पियानो रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह पियानो अपने आप ही खुल रहा है। ऐसा लगता है मानो जो भी इसका मालिक है वो लौट आया है और इसको बजाना चाहता है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि पियानो का वो जो ढक्कन ऊपर उठ रहा है वो काफी हैवी होता है। अगर हवा भी तेज चलती तो शायद उस तरीके से उसका खुलना पॉसिबल नहीं है, और आसपास की चीजें सारी स्थिर है, मतलब हवा नहीं चल रही थी। क्या यह एक भूतिया गुड़िया है? आप इसकी आंख पर नजर डालिए। जब वो महिला उस गुड़िया के बाल जमा रही होती है, तभी यह गुड़िया अपनी आंख को घुमाती हुई नजर आती है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अंधेरे से हर इंसान को डर लगता है, लेकिन क्या हो जब अंधेरे में आपको पता चलता है कि कोई शख्स आपसे दूरी पर खड़ा हुआ है और वो कंटिन्यूसली आपके ऊपर नजरें रखा हुआ है, इवन आप ये भी नहीं जानते कि वो कोई इंसान भी है या नहीं। अब इस गार्डन में लगे एक CCTV कैमरा ने एक अजीबोगरीब पारदर्शी दिखने वाली आकृति को कैप्चर किया है। ये आकृति देखने के बाद ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमें लगा कि ये मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये महिला अपने काम में बिजी थी। पीछे पहले तो अपने आप दरवाजा ओपन होता है, उसके बाद जो पेपर रखे हैं टेबल पर वो उड़ जाते हैं। एक ही टाइम पर ये दो घटनाएं होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद आपने नोटिस नहीं किया, जो बीच में दरवाजे की दरार है वहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा लगता है मानो एक महिला बिल्कुल सफेद कपड़ों में खड़ी हुई है, जो देखने में किसी भूत जैसी ही लग रही है, जबकि एक्चुअल में वहां कोई नहीं था। ये घटना काफी अजीबोगरीब है। आप देख सकते हैं बाइक बिना ही राइडर के अपने आप चलती जा रही है। मैंने तो अभी तक ये नहीं सुना कि रिमोट से चलने वाली बाइक्स भी आ गई हैं। आपको अगर मालूम हो तो जरूर कमेंट करें। यहाँ पर पहले तो रॉकिंग चेयर अपने आप हिलती है और सीधे हाथ की तरफ रखी हुई चीज अपने आप नीचे गिरती है। यहाँ पर घर के बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी घर के बाहर लगे कैमरा ने यह अजीबोगरीब एनोमली कैप्चर की है। आप देख सकते हैं एक पारदर्शी सी आकृति कैमरा के सामने से गुजरती हुई नजर आती है। इस कमरे की लाइट्स पहले तो अपने आप ही फ्लिकर होती है, बंद चालू भी होती है, और जो सामने चेयर रखी हुई है वो बहुत झटके से हमारी तरफ आती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने जोरदार तरीके से उसे धकेला हो, लेकिन हम देख सकते हैं वहां पर कोई नहीं था। यहाँ पर दो बंदे ओइजा बोर्ड गेम खेलते हुए नजर आते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि ओइजा बोर्ड गेम क्या होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा गेम होता है जिसको 2 से 3 लोग खेलते हैं, और वो भूत प्रेत से यानी कि आत्माओं से बातचीत करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, और जो जिस चीज़ पर ये हाथ रखे हुए हैं वही चीज़ है जिससे ये सवाल पूछते हैं,
और फिर जब इस पर से हाथ हटा दिया जाता है तो ये चीज़ अपने आप वर्ड्स के ऊपर जाकर रुकती है। यस और नो भी नीचे लिखा होता है, वहाँ पर भी जाकर रुकती है। वो जवाब वही होता है जो जवाब आत्मा दे रही होती है। तो यहाँ पर ये बंदे इसे खेल रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है, काफ़ी डरावना है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, जहां पर हमने देखे कुछ भूतिया घटनाएं, कुछ भूतिया फुटेजेस। आशा करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।